जी भाई, मैं अमेरिका से बात कर रहा हूँ। जी जी मेरे पास एक कुत्ता है, मैं उसको शिकार के लिए और हिफाजत के लिए रखा। मैं आपसे ये सूरह मायदा की 4 चौथी आयत के बारे में पूछना चाह रहा हूँ था कि सुधार उसको ट्रेन कैसा करना। जी, जब वो ट्रेनिंग में कुत्ता तो ऐसा रहता कि जब आप साथ रहे तो आपके पास आता, आपको छीता, कभी आपको चाट भी देता। तो इसमें जरा मैं कुरान और सुन्नत से जरा बताइए कि इस पे क्या हुक्म है। सवाल वाजे हुआ शेख आपके लिए, पॉइंट थोड़ा सा समझा हूँ, मतलब थोड़ा क्या पूछना। लास्ट में नहीं समझ सका कि पूछना क्या चाहते हैं। हाँ सवाल थोड़ा सा हनीफ साहब, सवाल थोड़ा सा वाजे कर दें कि उसमें सवाल क्या है आपका। जी, जैसा सूरह मायदा की 4थी आयत में है कि हाँ सुधार हाँ उसको कुत्ते को ट्रेन करे हुए कुत्ते ठीक को, है ट्रेनिंग के दौरान वो आपके ऊपर आता, वो आपको छूता, कभी चाट भी देता, तो इसके बारे में क्या हुक्म है? और जी मुझे शेख, कुत्ते के थूक पे दलील भी चाहिए। जी शेख, वो सिर्फ एक मुझे एक ही दलील मिली कि वो है बर्तन पे, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं मिला। जी, ठीक है, बता रहे हैं शेख। जी शेख, जी, दो मसला है। पहले छूने वाले मसले पर बात करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इदा वलगल कल्बु फी इनाए अहदिकुम फल यग्सिल हो सब अमरातिन उलाहुन्ना बितुराब, एक रिवायत में है उखराहुन्ना बितुराब, कि अगर कुत्ता आपके बर्तन में मुंह डाल दे तो उस बर्तन को आपको 7 दफा धोना है, 7 बार। बाज रिवायतों में है कि पहली बार मिट्टी से, बाज रिवायतों में है कि आखिरी दफा मिट्टी से धोना है। बहरहाल उसको 7 दफा आपको धोना है। एक इश्काल भाई के दिमाग में भी शायद आ रहा है और कई लोग इसको सोचते हैं कि यहाँ इस हदीस के अंदर तो बर्तन का जिक्र किया गया है, अब अगर वो कुत्ता हमारे कपड़े पर उसने मुंह रख दिया या हमारे जिस्म पर उसने मुंह रख दिया या किसी और सामान पर उसने मुंह रख दिया, तो क्या ऐसी सूरत में उस चीज को भी धोएंगे या फकत ये हुक्म बर्तन के बारे में है? इसका जवाब ये है कि यहाँ पर जो बर्तन का जिक्र किया गया है इसको अरबी जबान में कहते हैं तकलीबन जिक्र किया गया है। तकलीबन का मतलब ये होता है कि आम तौर से कुत्ता खाने पीने की चीजों पर दौड़ता है, खाने पीने की कोई चीज रखी है जाकर के मुंह डाल देगा, तो ये आम तौर से ये हादसा होता है और हमें उस बर्तन की जरूरत पड़ती है, तो लिहाजा यहां पर बर्तन का जिक्र किया गया। वरना इसका ये मतलब नहीं है कि आपके कपड़े पर या आपके जिस्म पर अगर मुंह रख दे तो उसको नहीं धोना है, उसको भी धोना है। उसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूं। जैसे कुरान में कहा गया कि यतीम के माल को ना खाओ, वला ताकुलू अमवाल यतामा, यतीम के माल को ना खाओ। अब अगर कोई यतीम का माल हड़प कर ले और खाए ना, उसकी बिल्डिंग बना ले, तो क्या ऐसा करना जायज होगा? भाई कुरान में तो खाने से मना किया गया है, तो खाने से जो मना किया गया है ये तकलीबन है। माल का जो सबसे बड़ा फायदा होता है इंसान को खाना होता है, इसलिए खाने का जिक्र किया गया। इसका ये मतलब नहीं कि दूसरे तरीकों से उसका माल आप ले सकते हो। अब यहां पर बर्तन में कुत्ते के मुंह डालने का जिक्र किया गया, इसका ये मतलब नहीं कि बर्तन के अलावा कहीं और मुंह डाल दे तो उसको नहीं धोएंगे, उसको भी धोएंगे, क्योंकि जो इल्लत है, जो सबब है, वो यहाँ पर भी मौजूद है। वो इल्लत है कि कुत्ते के मुंह में लुआब होता है, वो लुआब लग जाएगा, उस लुआब को आपको साफ करना है, उसमें जरासीम होते हैं, और जैसा कि तिब ने भी, मेडिकल साइंस ने भी बताया जी है कि उसके लुआब में जरासीम होते हैं, और ये भी बताया गया है कि वो जरासीम इतने सख्त किस्म के होते हैं कि उसको जब बार बार आप धोएंगे तभी वो साफ होंगे, एक बार धोने से नहीं। लिहाजा कुत्ता चाहे बर्तन में मुंह डाल दे या आपके कपड़े पर, आपको उसे 7 बार धोना है। ये पहला मसला हुआ। दूसरा मसला, शायद उसको आपने पूछा नहीं है लेकिन मैं जिन्नन उसको जिक्र कर देता हूं, कि हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 तरह के कुत्तों को पालने की इजाजत दी है। पहला ये कि हमने रखवाली करने के लिए, घर की रखवाली करने के लिए कुत्ते को पाला है। दूसरा ये घर की रखवाली या खेती की रखवाली। दूसरा ये है कि हमने जानवरों की रखवाली करने के लिए कुत्ते को पाल रखा है, जो कि जो जानवर पालते हैं
वो जानते हैं इस बात को, कुत्तों को पालते हैं दूसरे जानवरों से हिफाजत करने के लिए। तीसरा ये कि कुत्ते को हमने शिकार के लिए पाल रखा है, तो इन तीन सूरतों में कुत्ता पालने की इजाजत है। अब ये रखवाली घर की भी हो सकती है, जानवरों की हो सकती है, दुकान की हो सकती है, किसी और चीज की रखवाली हो सकती है। तो रखवाली के लिए अगर आप पालना चाहते हैं तो पाल सकते हैं, इसी तरह से शिकार के लिए पालना चाहते हैं तो पाल सकते हैं। लेकिन शिकार करना उसी कुत्ते से जायज है जो कुत्ता मुअल्लम हो, यानी ट्रेंड हो। और ट्रेंड कुत्ते की अलामत यह है कि जब आप उसको ऑर्डर करो कि जाओ तो चला जाए, जब आप उसको बुलाओ तो वापस आ जाए, शिकार कर रहा है दरमियान में अगर आपने बोल दिया आवाज देके तो रुक जाए, ये उसकी अलामत है ट्रेंड होने की। तो अगर ट्रेंड कुत्ता है शिकार करने के लिए आप रखे हैं तो उसकी इजाजत है। जी जी हनीफ साहब जी, एक और एक आखिरी सवाल था। ये जब मैं लाया वो बहुत ही बुरी हालत में था, तो अगर मैं उसको नहीं लाके क्या उसको मरने छोड़ देना था या मैं सही काम किया? क्या नहला करके आपने क्या किया? नहीं नहीं नहीं, वापस छोड़ देना चाहिए था क्या पूछ रहे हैं वो? नहला करके छोड़ देना चाहिए था क्या? मैंने जो नहीं 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 नहला के नहीं, मैं वो जो हाँ। मेरी मुझे हालत में मिला, अगर मैं उसको नहलाता उसको घर अच्छा में उसको मैं पनाह नहीं देता था तो वो मर जाता था, तो क्या मैं उसको वही हालत में मरते हुए हालत में छोड़ देना चाहिए था कि क्या मैं सही काम किया? नहीं, आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने बहुत अच्छा काम किया, और इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आपको इसका अजर मिलेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, एक हदीस है कि फी कुल्ले कबदिन रतबिन सदका, कोई भी जो जानदार है उस पर अगर आप रहम कर रहे हैं तो ये सदका है आपके लिए। और आपको हदीस मालूम होगी, जिस औरत ने कुत्ते को पानी पिलाया था, प्यासे कुत्ते को, अल्लाह ताला ने उसे जन्नत दे दिया। एक दूसरी औरत ने बिल्ली को बांध दिया था, खाना पानी नहीं दिया, बिल्ली मर गई, अल्लाह ताला ने उसे जहन्नम दिया। तो अगर किसी भी जानवर पर आप रहम करते हैं तो ये हमारी शरीयत की तालीम है, और इस तालीम को आम करने की ज़रूरत है कि हमारी शरीयत ना सिर्फ इंसानों पर रहम करने का हुक्म देती है बल्कि जानवरों के साथ भी रहम करने का हुक्म देती है। वो जानवर जिनका खाना हमारे लिए हलाल है और जिनको हम ज़बह करते हैं, ज़बह करते वक्त भी उन पर रहम करने का हुक्म दिया गया है, और कहा गया है कि छुरी तेज करो, उसको ऐसे ज़बह करो ताकि उसको कम तकलीफ हो, ये सारी तालीमात हमें दी गई हैं। तो जानवरों पर भी रहम करने का की तालीम हमारी शरीयत के अंदर मौजूद है।